हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिंस रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेड वेलवेट कटलेट। कटलेट को हम कई तरीकों से बना सकते हैं। इससे पहले मैंने पोटैटो वर्मिसेली कटलेट और वेज पोहा कटलेट भी बनाया है, और आज मैं जो कटलेट बनाने जा रही हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने बहुत सारी वेजीज का इस्तेमाल किया है जिसे बच्चे जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। रेड वेलवेट कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम चुकंदर, 4 मीडियम साइज के उबले और मैश किए हुए आलू, आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/3 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, आधा कप फ्रोजन मटर, नमक स्वादानुसार, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, 1 चम्मच नींबू का रस, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच घी। और कोटिंग के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा, रेड क्रम्स और तेल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रेड वेलवेट कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जियों को बॉईल करना है। इसके लिए हमने गहरे बर्तन में पानी लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से बॉईल कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा पानी बॉईल हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे कटी हुई बीन्स और गाजर भी डाल देते हैं, कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दीजिए, और इसमें हम डाल देते हैं हरी मटर। हमने यहाँ पे फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है, तो इसे भी हम सारी सब्जियों के संग उबाल लेते हैं। अब सभी सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेते हैं, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक हमारी सब्जियाँ उबल रही, तब तक इधर हम चुकंदर के छिलके को भी उतार लेते हैं। तो इस तरीके से हमने छिलका उतार लिया है और इसे अब हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ग्रेट किया हुआ चुकंदर भी तैयार हो गया है और लगभग 3 से 4 मिनट भी हो गया है और सब्जियां हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और सभी सब्जियों को हम एक चलनी में छान लेंगे। तो छानने के लिए हमने लिया है चलनी और इसके नीचे हमने बर्तन रखा है जिसमें हम पानी को इकट्ठा कर लेंगे। छानने के बाद ये जो बचा हुआ पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, सेम इसी पानी में हम चुकंदर को भी बॉईल कर लेते हैं। पानी को हम सेम बर्तन में डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं और इसमें अब हम कसे हुए चुकंदर डाल देते हैं। चुकंदर डालने के बाद इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। 3 मिनट हो गया है, तो ये देखिए हमारा चुकंदर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसके भी पानी को हम छान लेंगे। तो इस तरीके से हमने चुकंदर को चलनी में छान लिया है और इसे अब हम एक बर्तन के ऊपर रखकर चलनी में ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि इसमें से पूरा पानी ना निकल जाए और ये पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। अब चलिए, अब हम सभी सब्जियों को भून लेते हैं। तो भूनने के लिए हमने लिया है एक नॉनस्टिक पैन और इसमें हमने डाला है 1 चम्मच घी। आप चाहें तो तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे उबली हुई सब्जियाँ जो हमने पहले उबाल के रखा हुआ था, और इसमें अब हम उबले और मैश किए हुए आलू भी डाल देते हैं। आलू डालने के बाद अब इसमें हम चुकंदर डाल देते हैं। हमारा चुकंदर भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और अब हम स्पैचुला से चलाते हुए सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, सब्जियां सारी मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डालते हैं मसाला। तो सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और फिर अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए। हमने चुकंदर को उबालते समय भी नमक डाला था, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। और इसे हम थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं नींबू का रस, काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, और लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई धनिया की पत्ती।
और सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम मसालों को मीडियम फ्लेम पर रखकर तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से सारा मॉइस्चर ना निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 7 से 8 मिनट में हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप देखिए इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ये काफ़ी ड्राई हो गया है। तो इसे अब हम भुनना बंद करते हैं और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चुकंदर का मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर ताकि हमारा जो कटलेट है वो आसानी से बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगभग 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है और इसे हम डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यदि आपका मिक्सचर काफ़ी स्टिकी हो गया है तो उस हिसाब से आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स या और कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा बीटरूट का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो फ्राई करने से पहले हम मैदा का घोल भी बना लेते हैं। तो हमने एक गहरा बर्तन लिया है और इसमें हम डालते हैं मैदा और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। अब हमें मैदा का घोल बनाना है, तो इसमें हम डालते हैं पानी और बिल्कुल इसका थिन पेस्ट की तरह हम घोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से पानी डालते हुए हमने मैदा का बिल्कुल पतला घोल तैयार कर लिया है। अब चलिए हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए हमने चुकंदर के मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लिया है और इसे हम हाथों में बिल्कुल टिक्की की तरह रोल कर लेते हैं और इसे अब हम मैदा के घोल में डिप करते हैं। डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स के संग अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक कटलेट बना लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा कटलेट भी बना लेते हैं। कटलेट को आप चाहें किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे रोल करके बिल्कुल टिक्की की तरह शेप देंगे। ये देखिए हमारे सारे कटलेट तैयार हो गए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, अब चलिए कटलेट्स को हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने गहरे पैन में तेल लिया है और तेल को हम मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें हम एक एक करके कटलेट्स को डालेंगे। हम एक साथ कई कटलेट्स नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक सकते हैं और फट भी सकते हैं, इसलिए हम इसे बैचेस में ही फ्राई करेंगे। कटलेट को अब हम मीडियम फ्लेम पर रखकर दोनों तरफ से उलट पलट कर जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला बैच तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कटलेट का बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं जिससे कि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। पहला बैच तो हमने तैयार कर लिया है और सेम वही तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो हम एक एक करके कटलेट को डालेंगे पैन में और इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमारा रेड वेलवेट कटलेट बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म किसी भी हरी चटनी या टोमेटो केचप के संग सर्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नई रेसिपीज देखने के लिए हर ट्यूजडे और सैटरडे मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए।